जैसे मैं क्या बोल रही थी कि बहुत तेज स्पीड होती है नेगेटिव संकल्पों की स्पीड, एक झटके में हमें कहीं से कहीं पहुंचा देती है। व्यर्थ संकल्प बुद्धि को कमजोर करता है और श्रेष्ठ स्थिति भी नहीं होती है। व्यर्थ संकल्प क्या करता है, हमारे जो नेगेटिव सोच होती है वो हमें कमजोर करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी बहुत तेज चल रही है, अचानक से कोई आ गया तो क्या हम रोक पाएंगे? कहते हैं ना, क्यों बोलते हैं हमारे पेरेंट्स कि गाड़ी जब चलाओ तो थोड़ा धीरे ही चलाओ। मुझे स्पेसिफिकली बोला जाता है घर में कि अगर चला रही हो स्कूटी, कुछ अगर जा रही हो तो थोड़ा धीरे ही चलाओ, कुछ होना भी होगा तो धीरे चलाओगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा धीरे चला, अगर बहुत तेज स्पीड में आ रहे हो तो किसी की गलती नहीं भी होती है ना, फिर भी देयर आर चांसेस दैट बैड थिंग्स कैन हैपन, राइट? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग की जो गति होती है नेगेटिव संकल्पों की, तो क्या होगा, अब कोई अचानक से, मैं बहुत खराब मूड में हूँ, बहुत मैं मैं एंगर कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्सा कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, गुस्सा कर, अचानक से कोई मेरे लिए कोई गिफ्ट भी लेके आएगा ना, कोई मेरे लिए मेरा फेवरेट चीज स्माइल करके बोलेगा आके, मैं बोलूंगी हाँ हटो, तुरंत क्या रिस्पॉन्स आएगा मेरा, क्योंकि मैं उस मोड में हूँ, मैं उस एनर्जी में हूँ, मैं उस फीलिंग में हूँ कि मुझे किसी का अच्छा रूप भी अच्छा नहीं लगेगा, ओनली बिकॉज हमारी स्थिति बहुत डाउन है, बहुत डिप्लीटेड है। कहते हैं ना, अगर पानी का ग्लास अगर खाली है तो वो कैसे किसी को पानी देगा। तो मैंने एक विशेष साइकिल के बारे में भी अपने पिछले वीडियो में बताया था, मैं इसको बहुत बहुत अग्री करती हूँ। खुद को चार्ज करो, फिर दूसरों की हेल्प करो, सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन हैप्पी हॉर्मोन्स निकलेंगे दूसरों की हेल्प करने से। सो दिस शुड बी अ साइकिल, मेरा ये साइकिल है, मुझे खुद को चार्ज करना है मेडिटेशन करके, उसके बाद मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, जैसे मुझे वो ऑक्सीटोसिन, वो हॉर्मोन्स मिले, वो हैप्पी हॉर्मोन्स मिले जो मुझे हैप्पी करे, जो मुझे स्वस्थ करे। आज क्यों हमें इम्यून सिस्टम, डाइजेशन, एंग्जाइटी, ये जलन, पेट की जलन, क्यों ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब यहाँ यहाँ ये यहाँ फंसा है हमारा मैल, कहाँ है, यहाँ फंसा है मैल। मैल इज इन आर हार्ट, मैल मैल इज इन आर माइंड, जो हम लोग खराब संकल्प कर रहे हैं वो हमें यहाँ एसिडिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपको ठीक होना है तो किसी के लिए भी बैर है ना, किसी के लिए भी कोई बात है जो मन में पकड़ के रखी है, अपने आप को परेशान करके, ओपन दैट डोर, ओपन दैट डोर एंड मेक योर डाइजेशन परफेक्ट, मेक योर हेल्थ परफेक्ट, बिकॉज सब कुछ पेट से है। तो हमारा पेट और हमारा माइंड रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, स्टेज पे जाते हैं क्या होता है, पेट में गुड़ गुड़, एग्जाम के पहले कैसा फील होता है, दिस इज एग्जाम्पल कि दे बोथ आर कनेक्टेड। नेगेटिव थॉट्स बहुत फास्ट चलते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता कि मुंझी हुई स्थिति क्यों है। मुंझी हुई स्थिति यानी बहुत मतलब कि एजिटेटेड, परेशान, क्यों हम लोग परेशान है, क्या मैं क्यों सैड हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ खुशी ढूंढूँ, कहाँ खुशी ढूंढूँ, रील्स देखूँ, इंस्टाग्राम देखूँ, फेसबुक देखूँ, कहाँ देखूँ, कहाँ, हम लोग खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग में। सब लोग खुशी चाहते हैं, सब चाहते हैं मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो, सब लोग लेने की स्थिति में आ गए हैं। तो हमें अब खुद को खुद से चार्ज करना है, बिकॉज हैप्पीनेस तो यही है ना, हैप्पीनेस तो हमारे अंदर है, हमें खुद ही क्रिएट करना है, राइट? करना चाहते हो तो आप यू कैन ऑलवेज बी हैप्पी, बस एक चाहत, एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना, वो चाहत तो करनी होगी। सूक्ष्म चेक इन नहीं करते, मोटे रूप में चेक करते रहते हैं। सूक्ष्म मतलब कि छोटी छोटी चीजें हम लोग जैसे करते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अपना रूटीन सही कर लेती हूँ, मैं जल्दी सोती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ, फिर मेरे को लगता है कि मैं तो आज जल्दी उठी हूँ, सब कुछ मैंने परफेक्ट किया है, मैंने टाइम पे नहा लिया, टाइम पे खा लिया, फिर भी मेरे साथ क्यों मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या क्या मतलब, मैंने सब इसको कहते हैं मोटी मोटी चेकिंग। अब जो सूक्ष्म चेकिंग क्या होती है, माइंड में मैं क्या सोच रही हूँ किसी पर्सन के बारे में, ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ, मान लो कोई कॉलेज में है, मान लो कोई घर में है, मान लो कोई आसपास की परिस्थितियों में है जो हमारे फेवर में नहीं हो रही है चीज, ऐसे नहीं करना चाहिए था, कैसे हम लोग मन में चीजें पाल के रखते हैं अपने अंदर साल साल, और बीमार पड़ जाते हैं और एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता। सब छोड़ो, लेट गो, माफ करो, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, फॉर योर ओन हेल्थ। शारीरिक
भी छोटा जब कोई भी शारीरिक बीमारी होती है तो छोटी होती है तो पता नहीं चलता है ना, छोटी सी फुंसी हुई ठीक है बड़ी हुई, जैसे ही बड़ी होती जाती है वैसे ही जो छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें हैं नेगेटिव सोचते वो इतनी बड़े एक बड़ा प्रॉब्लम रूप में ले लेता है कि हम लोग फिर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि खाली रोज नेगेटिव सोचती हूँ मैं एक पर्सन के बारे में इसलिए मुझे शायद वो प्रॉब्लम हुई। हम लोग सूक्ष्म तो जा ही नहीं रहे, हम लोग अपने थॉट्स को नहीं सही कर रहे, क्यों दिक्कत है क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं ठीक नहीं हूँ। अरे कोशिश करो, देखो कहाँ, चेकिंग करो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम्स तो सबकी जिंदगी में आनी है, कर्म किए हैं कुछ ऐसे हम लोग ने, चुप तो करने ही है, आने हैं वो, अब वो तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते बट चेकिंग कर सकते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रह सकते हैं, है कि नहीं। अपने को अंदर से देखना होता है और दूसरों को बाहर से। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने आप को हमें अंदर से देखना होता है। हम लोग दूसरों को कैसे देखते हैं, हम लोग दूसरों को अंदर से देखते हैं, ऐसा ऐसा बना रहा है, ऐसा चेहरा बना रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा, कोई भी अच्छी बात सुनते हैं तुरंत इसको बेचती हूँ, इसको जरूरत है इसकी, तुरंत हम लोग जैसे हम लोग कुछ अच्छी चीज सोचते हैं किसी और को भेजने का सोचते हैं, वीडियो को इसको किसी और को भेजते हैं, चलो इसको जरूरत है। अरे खुद की चेकिंग करो ना, खुद की चेकिंग करनी है ना, हमें खुद को देखना है। दूसरों को देखना बहुत 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 इजी होता है क्योंकि वो सामने होता है, खुद को तो खुद की नजरों से कैसे देखेंगे, वो एक टास्क होता है खुद को देखना, दैट इज अ टास्क। बाहर से तो सहज होता है, अंदर से दिखता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे मैंने सुना है बहुत लोगों से, दिखाओ, अच्छा दिखाओ मुझे कहाँ है भगवान, दिखाओ दिखाओ। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको क्या लव, क्या ऑनेस्टी, क्या लॉयल्टी, ये सब चीजें, डिसीजन मेकिंग, या फिर यू नो ट्रस्ट, किसी पे बहुत विश्वास, ये दिखा के दिखाओ। कुछ ऐसी पावरफुल चीजें होती हैं जिंदगी में, कुछ बहुत 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 पावरफुल, जो फीलिंग, जो इमोशनल चीजें होती हैं उसको तो आप मतलब जैसे इट कैन बी, हाँ वो एक्शंस में दिख सकती है, कोई प्यार से कोई दे रहा है वो मटीरियल, बट मुझे किसी से प्यार है, अपनी मम्मा से प्यार है, तो मेरे मम्मा का प्यार मैं आपको दिखा नहीं सकती ना, अपने हाथ में मैं नहीं दिखा सकती ना कि मुझे मेरे घर वालों से प्यार है या किसी से प्यार है, मैं दिखा नहीं सकती ना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है बट वो होती हैं और बहुत पावरफुल होती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे क्रोध, गुस्सा, मतलब हाँ ऑब्वियसली एक्शंस में दिखता है बट यू नो मैं गुस्से को यहाँ रख नहीं सकती। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कुछ चीजें होती हैं जो दिख नहीं सकती बट होती हैं, वो इमो फील होता है, हवा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब ऑब्वियसली हवा तो फैन कुछ हिलता है पता चलता है, दिखती भी है, बट मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पावरफुल होती हैं, बहुत बहुत पावरफुल होती हैं। तो आई बिलीव कि संशय बुद्धि या ये सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता, एक बार हर चीज हमें करके देखनी चाहिए। अच्छा करने में क्या खराबी है, करके देखो, नहीं अच्छा लगे वापस आ जाओ, नहीं हर चीज को ट्राई करना इज अ मस्ट, है ना। सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ है, देखो 2 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। सिर्फ 2 मिनट हम लोग सोचते हैं, सिर्फ 2 मिनट ही तो मैंने खराब सोचा, 2 मिनट में 25,000 संकल्प कर दें पता भी ना चले, ये सच में होता है। 2 मिनट में इतने संकल्प हो सकते हैं जिसकी बात नहीं, क्या करूं कैसे करूं क्या होता है ना। नेगेटिव संकल्प बहुत तेजी से आते हैं, बहुत तेजी से, पता भी नहीं चलता है, तो इतने फास्ट 1 सेकंड में आबू से अमेरिका। इसलिए संकल्प शक्ति की बचत करो, कंट्रोल नहीं हो सकता, परिवर्तन तो कर सकते हो। जैसे क्या होता है ना, थॉट्स कभी हमारे रुकते नहीं, हम लोग सोते भी है ना तो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं। तो अगर आप थॉट्स को रोक तो नहीं सकते, थॉट्स को मैं ये तो नहीं कह सकती सोचो मत, मैं जैसे ही आपको बोलूंगी ना सोचो मत तो आपको और मन करेगा सोचने का, तो उसको परिवर्तन करो। जैसे होता है ना, एक एग्जाम्पल दिया था मम्मा ने कि पानी के नीचे जैसे बहुत जैसे गंदगी है, ठीक है बाल्टी मैंने भरी हुई है, नीचे बहुत गंदगी, मान लो अगर मैं उसमें से पानी कैसे निकालूं, गंदा पानी मुझे निकालना है, तो अगर मैं साफ पानी का नल खोल दूं तो अपने आप मिट्टी बाहर आती जाएगी क्योंकि मैंने साफ पानी का, तो मिट्टी वाली पानी अपने आप बाहर आता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग परिवर्तन तो कर सकते हैं ना, क्या परिवर्तन कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, पॉजिटिव माइंड इतनी मस्त चीज़ है
कि उसे ना हम मतलब कैसे भी बेवकूफ बना सकते हैं। कैसे, माइंड बच्चे की तरह होता है, छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी बोलो वो मान जाते हैं। वैसे ही हमारा माइंड होता है, मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स को जो बोलो वो मेरी बात सुनता है, वो मेरी बात सुनता है ना। कि मुझे, मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ, क्यों बोलते हैं अफर्मेशंस, मैं आई एम रिच, आई एम, हम लोग क्या बोलते हैं, थक के आते हैं, थक गया हूँ, थक गया हूँ। शिवानी बहन बताती है ना कितना थक गया हूँ, वो और थक जाते हैं और डिप्लीट करते हैं। बोलो वही जो चाहते हैं, जो चाहते हैं होना। हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो हम कभी भी नहीं चाहते हो ना, कभी भी नहीं चाहते, कभी मतलब लाइफ में भी नहीं चाहते वो चीज़ें हम लोग बोल देते हैं, बिकॉज हम लोग डिप्लीटेड होते हैं। वही बोलो जो आप चाहते हो, बिकॉज वही होगा, बिकॉज यूनिवर्स लिसन्स, सुनता है, सुनता है। कंट्रोल नहीं हो सकता परिवर्तन, उसको रफ्तार है। अगर चेंज नहीं करोगे तो अंदर तो क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। अगर हम चेंज नहीं करेंगे नेगेटिव संकल्पों को रोकने का, नेगेटिव अफर्मेशंस बोलने का, नेगेटिव बातें बोलने का, तो हमें आदत हो जाएगी। मैं थका हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं अनहैप्पी हूँ, मैं सैड हूँ, मैं बीमार हूँ, नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना ऐसी चीज़ें। अब इसका मैंने चेंज करते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं कितनी स्वस्थ हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी धनवान हूँ, ये बोलना है जो हम चाहते हैं होना। मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ये हम सब लोग चाहते हैं, ये हम सब लोग चाहते हैं। जो जमा खाता करेगा उनका उनका चेहरा और चलन भरपूर दिखाई देगा। जिसका खाता, जमा का खाता फुल है, वो अपने आप क्या दिखाई देगा, भरपूर, फुलफिल्ड, क्या दिखाई देगा, अंदर से उसको ऐसा दिखाई देगा कितनी खुश है ये, कितनी खुश है, खुशी झलकेगी उसके पूरे बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से। कहते हैं ना, 3 दिन हो गए खुशी चली गई, क्या कहते हैं, 3 दिन से तो मैं मुस्कुराई नहीं हूँ, 3 दिन हो गए हैं, मैं क्या करूँ, मैं बहुत सैड हो गई हूँ, बहुत सैड हो गई हूँ, कहते हैं ना। तो रियलाइज, पश्चाताप करो, पश्चाताप करना अच्छी बात है, ठीक है। आप पश्चाताप करते हो, रिग्रेट करते हो, रियलाइज करते हो अपनी मिस्टेक। पर अगर मैं 4 दिन यही सोच रही हूँ कि नल में पानी नहीं आया, 3 दिन पानी नहीं आया मानो, तो हम 4 दिन तक यही सोच रहे हैं पानी नहीं आया, आधे घंटे पानी आ गया, बट हम यही सोच रहे हैं कि 3 दिन तो पानी नहीं आया ना, अब मैं कैसे, मैंने कैसे वो काटे पल, मैंने कैसे काटे, नहीं, रिग्रेट नहीं, रियलाइज करो अपनी मिस्टेक। कोई भी, जैसे अगर आपसे गलती हो गई, मान लो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब गलती करके बहुत, मतलब उनको बहुत पश्चाताप होता है, अच्छे बच्चे होते हैं, उनको बहुत लगता है, तो फिर वो रिग्रेट में बहुत अपने दिन गंवाते हैं। बिंदु बिंदु, क्या कहते हैं, बिंदु, 2 चीज़ें हमें सिखाई जाती है, नॉट एंड डॉट। नॉट मीन्स वो ये चीज़ नहीं करनी है, पहले संकल्प करो, निर्णय करो, ये चीज़ सही है, नहीं नहीं सही है, छोड़ो, नॉट फिर डॉट, बीती पे बिंदु। कोई भी बात को, बात खत्म हो जाती है पर हम इसको सोचते रहते हैं सालों साल, और तकलीफ हमारे शरीर को होती है, दर्द हमारे घुटने में होता है, दर्द हमारे सीने में होता है, क्योंकि हमने बात को पकड़ा है। बातें छोड़ो, हेल्थ बनाओ, यही होना चाहिए मेरा टाइटल आज का सोचूंगी। तो जो जमा खाता करेंगे उनका उनका चलन चेहरा भरपूर दिखाई देगा, कहते हैं ना। हाँ, 3 दिन रियलाइज, परिवर्तन करो पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। साफ साफ, अब देखो, सबसे विशेष बच्चे जो बाबा को, कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं, सबसे प्यारे बच्चे होते हैं जो भगवान को, ईश्वर को भी अच्छे लगते हैं, सच्चे दिल पे है साहिब राजी, जो सच सच बता देते हैं सब कुछ, अपनी बातें कितने मासूम लगते हैं, जो सच्चाई का पाठ लेते हैं। कब किसी को वो लोग नहीं पसंद है जो छोटे छोटे सूक्ष्म चीज़ों में झूठ बोलते हैं। खाना खा रहे हैं, बोलेंगे मैं वॉशरूम में हूँ, वॉशरूम में है, बोलेंगे मैं किचन में हूँ, इतनी छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, और उनको पता भी नहीं लगता है कि ये गलत है। क्यों बोलना, रियल रहो ना, जिसको पसंद करना रहेगा आपको पसंद करेगा, वैसे बी रियल, बी कॉन्फिडेंट आप जैसे हो। पहले सेल्फ लव को, पहले हम खुद से तो प्यार करें, तब ना लोग हमें प्यार करेंगे। पहले हम खुद को तो एक्सेप्ट करें, है ना, खुद को तो एक्सेप्ट करें। जाते नहीं हम लोग, कितनी बार फोटो नहीं खिंचवाते हैं, जाते नहीं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें क्या झलकता है कि हमें खुद से और कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है। फोटो खिंचवाना इज अ एग्जाम्पल, किसी किसी को नहीं मन होता है, वो तो एक गलत एग्जाम्पल था शायद, बट मेरे कहने का मतलब कि खुद से प्यार करो,
एंड द डे यू विल सेल्फ लव टू यू नो टू टाइम इंटेंसिटी पूरी तरीके से, लोग भी आपको उसी इंटेंसिटी से प्यार करेंगे. आई स्वेयर, खुद को प्यार करो बस, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल, जैसे लोग आपको पसंद करें सच्चे दिल पे. तो अटेंशन की जगह टेंशन हो जाती है. कुछ बच्चों को क्या होता है, अटेंशन, हम लोग कहते हैं ना अटेंशन करो अपने थॉट पे, अटेंशन करो, अटेंशन करो, सही सोचो, उसमें भी टेंशन हो जाती है कुछ लोगों को. अरे अच्छा सोचना है, कैसे सोचना है, अरे सोच लेंगे, अच्छा सोच लेंगे, रिलैक्स रिलैक्स. क्या होता है, विकी कौशल की जो वो है कैटरीना कैफ का मुझे इतना अच्छा लगता है, वो कहती है विकी कौशल मुझे कैसे करता है, कहता है रिलैक्स काम आई एम, वो मुझे पैनिक बटन बुलाता है, कैटरीना कहती है मुझे पैनिक बटन बुलाता है वो, पर वो मुझे कहता है रिलैक्स रिलैक्स काम जाऊं. तो ये सच में बहुत जरूरी है हमारे लिए आज, हर बात पे रिलैक्स, डीप ब्रीथ, सोल्यूशन सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, है ना. तो चाहते हैं ज़्यादा बोल में नहीं आना. ये ना मेरे को भी बहुत चेकिंग करनी है कि ज़्यादा हम लोग जब बात करते हैं ना तो उतने ही ज़्यादा हमारे संकल्प भी चलते हैं. जितने कम संकल्प उतना अच्छा मेडिटेशन स्टेट, कहते हैं डेल्टा में होते हैं, जो कम बात करते हैं उनके थॉट्स कम चलते हैं, उनका उससे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है. तो अटेंशन ज़्यादा बोल में नहीं आओ. एकांत मीन्स बाहर से एकांत नहीं. एकांत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बाहर से क्या हो, बाहर से बहुत शांत हो और अंदर से बहुत हलचल हो. बाहर से मैं बोलूँ हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए मेरे घर, अंदर से हाँ आ गई, नहीं. क्यों, आप जो फील कर रहे हो, जो उसके मन में आपके अंदर बह रहे ना, उसको रख दो, यहाँ रखो, यहाँ सामने ऐसे रखो कि मेरे को तुमसे प्रॉब्लम है. मेरे को पता है शायद वो इंसान ना समझे, शायद वो ना समझे, पर आपके मन का बोझ ना हल्का होगा, हल्का होगा, बहुत हल्का होगा. फिर कहीं कभी ना कभी उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको बुरा लगा. प्यार से अपनी बात को पोलाइटली रखोगे ना, कोई आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा. पोलाइट रहना इम्पोर्टेंट है. अंदर से ग्रेटफुल के नशे में खो जाओ. कितना कुछ हमें मिला, कितना कुछ, रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स, रादर देन सेइंग कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, खो जाओ किस चीज़ में, क्या क्या मेरे पास है, घर है, फैमिली है, कितना कुछ है ना, कितना कुछ है. खो जाओ ग्रेटफुलनेस के नशे में, क्या वो सब फालतू नशे नहीं, कौन से नशे, ग्रेटफुलनेस के नशे, खुशी के खजाने में वाला माल. पहले खुद को खुश करेंगे फिर दूसरों को देंगे, खजाने आपके पास ही हैं, याद करो, यूज़ करो, माला माल करो. कैसे दूसरों को माला माल करेंगे, पहले खुद को भरपूर करेंगे, खुद को भरेंगे, खुद को चार्ज करेंगे, खुद को हैप्पी करेंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे, तभी ना दूसरों को हेल्प करेंगे. और दूसरों को हेल्प करने से ही खुशी आएगी, ये मेरा हमेशा रहता है मेरे वीडियो में. पहले खुद को चार्ज करो, खुद को हैप्पी करो, मेडिटेशन करो टाइमली, मतलब हर चीज़ को यू नो बैलेंस्ड वे में करो, उसके बाद दूसरों की हेल्प करो. लाइफ का मोटो हो गया आज की प्यारी सी मुरली. ओम शांति. कुछ भी आपको अच्छा लगा हो कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या अच्छा लगा, क्या मैं और कर सकती हूँ, मुझे और सजेशंस की बहुत ज़रूरत है. ओम शांति, ओम शांति.